हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो फाइनली आज हम लोगों का यहाँ से रिटर्निंग है मुंबई टू कोलकाता, और हम लोग अभी खड़े हैं छत्रपति शिवाजी स्टेशन पे और वेट कर रहे हैं अपने ट्रेन के आने का। और ये है मुंबई का खूबसूरत स्टेशन छत्रपति शिवाजी। तो फाइनली हम लोग का ट्रेन अनाउंसमेंट हो चुका है, ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 15 पे आ चुकी है। जैसे कि आप सब देख पा रहे हैं इस वीडियो में कि ट्रेन इंटर कर चुकी है प्लेटफॉर्म नंबर 15 पे, और हम लोग अब ट्रेन में बैठने वाले हैं। तो बने रहिए हम लोगों के साथ इस पूरे जर्नी में फ्रॉम मुंबई टू कोलकाता। और पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो हम लोगों के साथ सबसे अच्छी बात ये हुई कि हम लोगों को साइड लोअर साइड मिला है, जो कि हम लोगों के लिए सबसे बेस्ट पार्ट है, क्योंकि हम लोगों का आरएससी था तो इसलिए हम लोगों को साइड लोअर मिला। और इस जर्नी में हम लोगों को बहुत मज़ा आने वाला है क्योंकि विंडो साइड मिल चुका है हम लोगों को, तो जर्नी बहुत अच्छी गुजरने वाली है। और ये है हमारे खालिद भाई जो अपने सीट पर ये आराम फरमा रहे हैं और इस जर्नी को इंजॉय कर रहे हैं। और ये अभी हम लोग गोंडा स्टेशन पास कर रहे हैं, चूँकि ट्रैवलिंग के दूसरे दिन का ये है, पहली नाइट हम लोग की जा चुकी है, ये सेकेंड डे। आज पूरे दिन हम लोग ट्रेन में सफ़र करने वाले हैं। ये गोंडा स्टेशन पास कर रहा है। उड़ गया भाई साहब उड़ गया। तो लीजिए ना भाई, क्या दिक्कत है, मेरा ही ना लीजिएगा, क्या दिक्कत है। हम इंसान नहीं है, हम नहीं खा सकते हैं। हम खा सकते हैं। और ये हम लोग स्नैक्स का मजा लेते हुए समोसा और दाल बड़ा, जो कि हमें ट्रेन की कैंटीन से मिला है, तो ये हम लोग यहाँ पे ये खाते हुए, क्योंकि हम लोगों को बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी। सर कितना ब्लॉग छोड़े सर, देखे नहीं रहा थोड़ा, हम तो आज देखेंगे ना। और ये है छत्तीसगढ़ का खूबसूरत जंगल जो अभी हम लोग क्रॉस कर रहे हैं। तो ये ट्रेन हमारी छत्तीसगढ़ से होते हुए अब आगे कोलकाता की तरफ बढ़ रही है। और ये है छत्तीसगढ़ का जंगल जहाँ से ये ट्रेन गुजर रही है, और मैं आपको बाहर का नज़ारा दिखा रहा हूँ। यहाँ पे ग्लास पूरी तरीके से डस्ट से भरी हुई, इस वजह से क्लीन नज़र नहीं आ रहा है। पानी कितना बार बचा रहे थे मिलता है, पर पिछला वर्ष कल मालूम है।
और ये है हमारे खालिद भाई जो सफ़र को एंजॉय कर रहे हैं, एंड ये है हमारे मिराज भाई जो कि अपने नींद को पूरा कर रहे हैं क्योंकि शायद रात में सही से सो नहीं पाए थे इसलिए। और ये आप बाहर का नजारा देख सकते हैं, तो दोस्तों अब दुर्ग स्टेशन आने वाला है जहाँ पे हमारे खालिद भाई उतरने वाले हैं। ये अपने बैकपैक लेकर के रेडी है और वेट कर रहे अपने अगले स्टेशन दुर्ग आने का क्योंकि ये वहाँ पे उतरने वाले हैं। और फाइनली ये रेडी हो चुके हैं और गेट पे वेट कर रहे हैं। तो फाइनली दुर्ग स्टेशन आ चुका है जहाँ पे हमारे खालिद भाई हम लोगों को अलविदा कहने वाले हैं और इस सफर पे यहाँ पे ये हमारा साथ छोड़ने वाले हैं। तो चलिए इन्हें हम सब मिलकर के अलविदा कहते हैं इस स्टेशन पे। तो उन्हें अलविदा कहने के बाद अब हम लोग निकल चुके हैं वहाँ से। और ये हम लोग अभी है चांपा स्टेशन पे। हम लोगों की ट्रैवलिंग की ये दूसरी नाइट है जो आज हम लोग ट्रेन में बिताने वाले हैं। चाय वाला दस्टेगा। और ये आज हम लोगों के सेकेंड डे का मॉर्निंग है जो कि अभी मॉर्निंग के 6:30 बज रहे हैं और हम लोग अभी हैं खड़गपुर की तरफ जाने वाले हैं। और आप कुहासा देख सकते हैं कि जैसे ही बंगाल में ये एंट्री कर रहा है किस तरीके का ये आउटसाइड में कुहासा है। और हम लोगों को मुंबई में ठंड की दूर दूर तक कोई नामो निशान तक नहीं मिला। और ये आप देख रहे हैं कि ये झाड़ग्राम स्टेशन अभी पार कर रहा है और इसके बाद आने वाला है खड़गपुर। फाइनली हम लोग अब खड़गपुर स्टेशन पे एंट्री कर चुके हैं और यहाँ से 100 किलोमीटर अराउंड प्लस हम लोग का जर्नी अभी बाकी है। और ट्रेन हम लोगों की हो चुकी है लेट, अभी 5 से 6 घंटे ट्रेन हम लोगों की लेट चल रही है। तो फाइनली हम लोग बंगाल के कोला घाट ये ब्रिज आप देख रहे हैं जो कि नीचे आप गंगा रिवर देख रहे हैं ये क्रॉस कर रहा है
और अभी मॉर्निंग के 10 बज चुके हैं। अब हम लोग पहुंच चुके हैं संतरागाछी, तो यहां से अराउंड हम लोग को जस्ट 15 मिनट लगने वाले हैं। तो फाइनली हम लोग अब बहुत करीब है हावड़ा स्टेशन से। और ये देखिए हमारे मिराज भाई बोर हो चुके हैं इस पूरे जर्नी से, और ट्रेन अब हावड़ा स्टेशन एंटर करने वाली, ये कार शेड क्रॉस कर रहे हैं जैसे कि आप बाहर देख पा रहे हैं, और हमारे मिराज भाई पूरे बोर हो चुके जर्नी से। फाइनली हम लोग हावड़ा स्टेशन पे उतर गए हैं। और ये रहा कोलकाता का खूबसूरत आउटसाइड हावड़ा स्टेशन, और आपको हावड़ा ब्रिज दिखाई दे रहा है सामने में। तो फाइनली अब मैं अपने घर जा रहा हूँ, और ये आप देख सकते हैं कोलकाता का खूबसूरत हावड़ा ब्रिज जो कि आपके सामने में नज़र आ रहा है। फ्रेंड्स, आप लोगों को ये पूरा जर्नी कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर कभी किसी और जर्नी पे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अलविदा।